can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेडी और आज इस वीडियो में जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको F3 GT की। तो बहुत दिनों से जो है मेरे को ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि कैसा फ़ोन है ये, 5G फ़ोन आप लोगों को मिलता है और इसका जो है बजट है वो 31,000 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है। अगर आपको 8GB 128GB वर्जन खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो Dimensity 1200 जो कि 5G प्रोसेसर है, स्मार्ट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, डुअल स्पीकर्स मिलते हैं और 67 वाट का आपको जो है सुपर सोनिक चार्ज मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला कि चार्ज भी कैसे होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा और एक बात आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि गाइस मैं जो है इसका जो है गेमिंग टेस्ट भी लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए जो आप स्टे ट्यून रहिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप बॉक्स खोलते हो आप लोग देख सकते हो सिंपली और एक आपको जो है पैकेज मिलता है जहाँ पर आपको जो है सिम इजेक्टर टूल मिलता है, उसी के साथ साथ आप लोग जो एक मैनुअल मिलता है, यूज़र मैनुअल, और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है जो कि आपका फीमेल 3.5mm 2C टाइप ये आपको जैक मिलती है, क्योंकि आपके फ़ोन में जो है 3.5mm जैक नहीं है, उसके लिए आप लोगों को जो इसको यूज़ करना पड़ेगा। बट बाहर से ख़रीदने से अच्छा आपको इसके साथ मिल ही जाती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलो अभी बात करेंगे फ़ोन की। तो आप लोग जो है फ़ोन भी देख सकते हो सिंपली पीछे, और एक चीज़ बताना चाहते हो, ये कवर भी मिलता है इसके साथ एक सिलिकॉन का। तो हालाँकि एक उनकी अगर बात करेंगे, फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और अभी हम लोग चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हमें जो है चीज़ मिलती है। तो जो साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है आप लोग को सी टाइप USB केबल मिलती है, बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोगों को पता है पोको का है तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट इसमें जो है पोको F1 भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। अच्छा, इसमें जो आप लोगों को एक चार्जर मिलता है जो कि 67 वाट का आपको सुपर सोनिक चार्जर मिलता है। इसकी चार्जिंग की स्पीड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। गेमिंग टेस्ट के लिए एक अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो वीडियो जो है 40-50 मिनट की हो जाएगी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ऑन करके इसको देख लेते हैं कि कैसा है, तब तक हम लोग जो है फिज़िकल ओवरव्यू भी देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ आप लोग देख सकते हो, मतलब पीछे के साइड में आप लोग को जो है एक LED भी मिलती है, मैं उसके बारे में भी आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पीछे के साइड में आप लोग सिंपली स्क्रीन पर देख ही सकते हो, यहाँ पर आपको 3 कैमरे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, एपरेचर 1.7 है। उसके बाद आपको जो है 8 मेगापिक्सल का पीछे के साइड कैमरा मिलता है, एपरेचर 2.2 है, और थर्ड वाला जो है वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा उसको बोलते हैं, जो कि एपरेचर 2.4 है। अभी बात करेंगे वीडियो शूट की, तो ये 4K में 30 FPS वीडियो शूट कर सकता है, 1080 पिक्सल्स में 30, 60 और 120 FPS भी शूट कर सकता है, और 720 पिक्सल में 960 FPS तक ये जो है खींच सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, सबसे देखो मैंने पहली बार बूट किया हूँ तो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे कि इसमें स्टोरेज कितनी है, राइट, इसकी जो है स्टोरेज कैसी होगी। ठीक है, स्टोरेज बताने से पहले आप लोगों को सिंपली बता दो, जो फ्रंट वाला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का आपको मिलता है, और फ्रंट वाला कैमरे से आप 1080 पिक्सल में 30 FPS तक जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे साइड में आपको गेमिंग भी यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो वैसे आप लोग देख सकते हो मैंने 256 GB वाला वर्जन लिया है, और यहाँ पे जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ 18 GB भरे हुए और बाकी जो है खाली है। तो इसी सबसे अगर आप 128 GB लेते हो तो आपको जो है थोड़ा बहुत इसी तरह से आपको डिफरेंस मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हम लोग को। और अभी हम लोग ने जो है चार्जिंग पे इसको लगा दिया, तो आप लोग देख सकते हो चार्जिंग भी इसकी फटाफट हो रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक 29 वरना 30 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। पीछे के साइड आप लोग देख सकते हो चार्जिंग पे भी हम लोग लगाते हैं, वरना नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, नोटिफिकेशन के टाइम पे लाइट जलनी चाहिए पीछे की LED, तो आप लोग उसको भी मैनेज कर सकते हैं, सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी गेमिंग की बात करो तो सेटिंग में आप लोग जो है स्मूथ में आप एक्सट्रीम में जा सकते हो, 90 FPS ये आराम से खींच देगा, बट BGMI ने इसको अभी तक ऑप्शन नहीं दिया है 90 FPS का, वरना ये आराम से उसको भी खींच सकते हैं। आप लोग जो है ये अच्छा लगा होगा, और गूगल के ऊपर जो है गाइस आपको जो है इसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी मिलेंगे, जहाँ पे बताया गया है कि पोको F3 GT के लिए भी जो है 90 FPS आने वाला है। तो आप उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा, वो ज़रूर आने वाला है, उसका कोई आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से गाइस कुछ फ़ोन है इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे 5000 mAh आपको बैटरी मिलती है, 5065 mAh आपको बैटरी मिलती है। उसी के साथ साथ अगर गाइस बात करेंगे, ये जो है गाइस
लेटेस्ट मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर को आपको अगर कंपेयर करना ही है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं 877 प्रोसेसर के साथ, वरना 887 प्रोसेसर के साथ, मतलब स्नैपड्रैगन के वो प्रोसेसर के कंपैरिजन में ये जो है वर्क करता है। 860 तो बहुत दूर की बात है इसके लिए, ये उसके भी आगे पहुंच गए 860 प्रोसेसर के। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोगों के लिए गेमिंग टेस्ट भी लेके आना लो। उसी के साथ साथ आपको पोको X3 प्रो वर्सेस आपका पोको F3 GT, ये दोनों का जो कंपैरिजन भी मैं फ्यूचर में लेके आना। तो अगर पहली बार आप मेरा चैनल चेक कर रहे तो एक बार जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन उसका जो है वीडियो का आते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।